जमीनी समाज सेवा करते करते कोई व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर भी पहुंच सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, ये आज हम सीखेंगे और देखेंगे बांदा नगर पालिका के अध्यक्ष, नव निर्वाचित अध्यक्ष मोहन साहू जी से। मोहन साहू जी, बुंदेलखंड न्यूज स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं, पुरानी एंटी इनकम्बेंसी को या अपनी मेहनत को? दोनों को नहीं, जनता के प्यार को। हमेशा ये बांदा की जनता मुझको प्यार देती रही, गली गली जब मैं इनकी समस्याओं को लेकर के आंदोलन करता था तब भी ये लोग मेरे पीछे फौज लगाकर दौड़ते थे। आगे आगे मैं चलता था, पीछे पीछे लोग मुझको ताकत और ऊर्जा प्रदान करते थे, उसी ऊर्जा ने मुझको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। अच्छा, नगर पालिका में ताजपोशी के बाद नगर की को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? शुरुआत तो मैंने एक की है, रात्रि में आप लोग देखते होंगे, रात्रि में मैं एक एक्स्ट्रा थर्ड लेवल का, जो आज तक कभी बांदा में तीसरा लेवल नहीं लाया गया, बाजार की सफाई। मैंने एक लेवल मॉर्निंग का रहता है, दूसरा मेरा रहता है दोपहर का, और तीसरा रात्रि में 8-8:30 बजे से मेरे सफाई कर्मचारी निरंजन जी के साथ और मैं स्वयं उनके साथ में रहता हूं और 11 बजे तक 10:30 बजे तक उनके साथ सफाई करवाता हूं। दूसरा एक प्लान ये है कि कुछ हम लोगों ने रिक्शे चलाना चालू किए हैं जो सीटी बजा करके दरवाजे दरवाजे कूड़ा लेते हैं, और आगे चल करके ये रिक्शे हमें और बढ़ाना है, प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर तक इनको पहुंचाना है। लोग जागरूक होंगे, हमारी मदद करेंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है, और शहर स्वच्छ और सुंदर होगा। मोहन साहू जी, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि ये आखिर आप चुनाव जीते, आपकी प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता क्या क्या काम करने हैं जिससे हम आप जो जनता के बीच में चुनावी वादे करके आए हैं उनको कैसे, कौन से कार्य आपके प्राथमिकता पे हैं? मैंने अपने चुनाव में सबसे पहले दो वादे किए थे, स्वच्छ सुंदर बांदा और दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। उन दोनों के लिए मैंने शुरुआत कर दी है। बांदा, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक महीने बाद कम से कम 50% साफ हो चुका है, और मैंने धूल मुक्त बांदा का संकल्प लिया है। इस धूल मुक्त बांदा के लिए मैंने एक मशीन अपनी पहली बोर्ड बैठक में पास कराने का काम किया है। वो मशीन जो प्रेशर से जमीन की धूल को खींचती है, उस मशीन का हम लोगों ने पहली बोर्ड बैठक में अनुमोदन कर लिया है, और पता करते हैं कितने की, कुछ बता रहे हैं कि 80 लाख रुपए की मशीन है। उस मशीन को खरीदेंगे और इस शहर की जो मुख्य रोडे हैं, बड़ी बड़ी रोडे जिनके किनारे बहुत ज्यादा धूल जमी हुई है, उस धूल को उस मशीन के द्वारा साफ करेंगे। और मेरे कर्मचारी भरपूर साथ दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मोहन साहू जी, घर घर जाकर आपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की क्या समस्याओं को समझा, कि लोग किससे परेशान हैं? समस्याएं कई प्रकार की हैं। एक तो समस्या गंदगी की बहुत भयंकर थी चुनाव के पूर्व। दूसरी समस्या, इस शहर की जब भी बारिश होती है तो जल भराव की समस्या बहुत बड़ी यहां पर दिखाई देती है। उसका कारण है कि शहर जो बसा है वो प्रॉपर वे में नहीं बसा, शहर कोई किसी प्लानिंग के तहत नहीं बसाया गया। लोग जहां पर चाहे वहां पर मकान बनाते गए, कोई लेवल नहीं लिया गया। आज स्थितियां ये हो गई हैं कि रोड ऊंचाई में आ गई है हमारे मुख्य मार्ग जो है, और बस्तियां हमारी नीची हो गई है। पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या बन के आ गई है। हम देख रहे हैं चुनाव के दौरान, मैंने देखा है जाकर के कि छोटी छोटी नालियां जिन बड़े नालों में जाके मिलती हैं, वो बड़े नाले ऊंचे हो गए और छोटी छोटी नालियां नीची हो गई हैं। लिहाजा वो पानी धीरे धीरे बहुत स्लोली लेते हैं, और जब अचानक बारिश होती है, तेज पानी होता है, तो फिर वो नाले पानी लेना बंद कर देते हैं। इसके कारण जल भराव की बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है इस शहर में। नगर पालिका की जो हमारे लोगों ने इसके पूर्व थे, चाहे ईओ रहे हों चाहे चेयरमैन रही हों, उन्होंने बहुत अनदेखी की इस शहर में। मैंने देखा चुनाव दौरान रात हो जाती थी तो गलियों में अंधेला हो जाता था। अभी भी मेरे कार्यकाल चालू होने के बाद भी इस शहर की बहुत गलियों में अंधेला है। उसको उजाले में परिवर्तन करने के लिए मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के इन गलियों को हम उजाले में तब्दील कर पाएंगे। मोहन साहू जी, एक बड़ी समस्या है कूड़ा निस्तारण की।
शहर का कूड़ा हम आमतौर पर देखते हैं, शहर का कूड़ा बाहर रोड पर डाल दिया जाता है, शहर के बाहर किसी एक जगह कोई स्थान बनाकर के, इसी तरह चारों तरफ बांदा के चारों तरफ यही हाल है, लगभग लगभग कूड़ा शहर का कूड़ा बाहर निकाल के डाल दिया जाता है। अगर कोई बाहर से आता है इस बांदा शहर में, उसको सबसे पहले इस कूड़े से रूबरू होना पड़ता है। इसके कूड़ा के निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था क्या होनी चाहिए, क्या आपने रिसाइकलिंग होनी चाहिए? जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अभी मैंने सुना है कि लखनऊ में एक लगाया गया था किंतु वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि सूखा कचरा और गीला कचरा, दोनों कचरे प्रॉपर तरीके से अलग डालने चाहिए, या एक साल डल रहे हैं तो उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा लेबर लगा के हमको उसकी छटनी करके, और जो मशीनरी लगाई जाएगी उसमें ये अलग अलग कूड़ा डाला जाएगा, तभी जाकर इसकी रिसाइकलिंग हो पाएगी। लेकिन इसका बजट बहुत बड़ा है। सरकार किस तरह से, मैं समाजवादी पार्टी से हूं और सरकार इस समय भाजपा की है, कितना मुझको सरकार से मदद मिल पाती है ये भी मुझको देखना पड़ेगा। अच्छा, देखा गया है कि अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, कचहरी हो, स्टेशन हो, मुख्य मार्ग हो, बाजार हो, सभी जगह अतिक्रमण है, तो नगर पालिका इसके लिए क्या प्रयास करेगी? निश्चित रूप से मैंने चुनाव में अपने पटरी व्यापारियों को मैंने विस्थापित करने का भी एक प्लान बनाया है। उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय से अभी मेरी एक बार बैठ के बात हो चुकी, मैंने उनको बताया कि कहां कहां हमारी नगर पालिका की जमीन पड़ी है, उस जगह हम लोग छोटी छोटी दुकानें बना करके और इन पटरी दुकानदारों को वहां विस्थापित कर सकते हैं, जिससे पटरी का अतिक्रमण समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, बाजार का अतिक्रमण, उसमें तो निश्चित रूप से हमको सख्ती लेना पड़ेगी। कुछ हमारे साथी मेरे व्यापारी लोग 10-10 फुट रोड पर कब्जा कर लेते हैं, उस पर भी मैंने यो के साथ अपने बैठ के एक प्लान बनाया है कि 1 फुट कब्जा करने पर 500 रुपए पेनाल्टी, 2 फुट कब्जा करने पर 1000 पेनाल्टी और 3 फुट कब्जा करने पर 2000 की पेनाल्टी, इस तरह का प्रावधान बनाने का हमने प्लान किया। कितना कहां तक बनाते हैं और फिर कैसे करते हैं ये भविष्य में देखते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं। क्या वो व्यापारी नाराज नहीं हो जाएंगे जिन व्यापारियों को आपको वोट मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, वो व्यापारी निश्चित रूप से मुझसे नाराज होंगे, और मैंने आपको ध्यान हो शपथ ग्रहण में मैंने ऐलान किया है कि मैंने ये नगर पालिका का चुनाव पहली और आखिरी बार लड़ा है, इसके बाद मैं नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझको बांदा का स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कितने भी सख्त निर्णय लेना पड़े उसको लेने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। अच्छा, ये शहर होर्डिंग से भी काफी पटा पड़ा है, अनियमित होर्डिंग, जिसको जहां मन हुआ उसने वहां पर अपनी होर्डिंग टांग दी, इसके लिए क्या कोई गाइडलाइन है, किसका ठेका किसको दिया जाता है, इस बारे में आपने विचार विमर्श किया है, या कोई भी टांग सकता है होर्डिंग? किया मैंने, एक झांसी की कंपनी है, खान करके एक है उनकी कंपनी है, उनका 69,700 रुपए कुछ हमारे यहाँ जमा है, और उसके अलावा जिन लोगों ने नगर पालिका से बगैर अनुमति लिए यूनिपोल शहर में गाड़ रखे हैं उनको नोटिस देने के लिए मैंने पोल रखा है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने गाड़े हैं वो कुछ नेता टाइप के हैं, ऐसे ऐसे दल से जुड़े हैं जिस दल की सरकार है, मगर मैंने कहा है कि उनके खिलाफ नोटिस भेजिए, और निश्चित रूप से हम नोटिस भेजेंगे, और अगर वो नहीं हटाएंगे या पैसा नहीं जमा करेंगे यूनिपोल गिराने का भी काम किया जाएगा। पॉलीथिन पर रोक लग चुकी है, कोर्ट भी रोक लगा चुका है, सरकारें भी रोक लगा चुकी है, पर देखा जाता है बार बार ये पॉलीथिन फिर से चालू हो जाती है, लोग फिर से पॉलीथिन में सामान लेकर के जाना शुरू कर देते हैं और दुकानदार भी बेचना शुरू कर देते हैं, क्या इस पर कभी रोक लगेगी, जो सब कूड़ा का एक प्रमुख एक कारक है? देखिए, नगर पालिका की सीमित पावर है ये आपको मालूम है, नगर पालिका की जितनी पावर है उसके हद में रह करके हम अपना काम कर रहे हैं, और जिस दिन शासन प्रशासन से हमारे पास सख्त निर्णय आएंगे कि इस प्रकार से आप काम करिए, उस प्रकार से हम लोग, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो कंज्यूमर हो, अगर वहां पर हमारे ताकत जो हमें पावर दी गई उनके अंदर अगर हमारे लिए वहां से निर्देश दिए जाएंगे तो उस पर निश्चित रूप से काम करने का काम करेंगे। गौतम जी, एक आखिरी सवाल, कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे आप ऊपर भाजपा से टिकट लेने का आरोप लगा था, आप भाजपा की किसी मीटिंग वगैरह में भी गए थे ऐसा सुना है, ऐसा वो कहां तक सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी के भाजपा में शामिल होने गए थे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अभी भी इसके अलावा कोई हथियार नहीं है, अभी भी वो कहते हैं कि मोहन साहू भाजपा में शामिल हो जाएगा, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी का नेता कि हम 1 साल से ज्यादा मोहन साहू को इस सीट पे नहीं रहने देंगे। इसी प्रकार से चुनाव के पहले भी
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये अफवाह उड़ाने की कोशिश की कि मोहन साहू भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में गया। मोहन साहू भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में नहीं गया था। साहू समाज की एक बैठक पंडित एच इंटर कॉलेज में हुई थी, वहां पर मैं चूंकि लखनऊ से मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे उनकी मीटिंग में था, और निश्चित रूप से उन्होंने वहां मोदी जी का होल्डिंग भी लगा रखी थी। उस पर मैंने अपने भाषण में कहा था वहां पर कि हिंदुस्तान में आज तक आजाद होने के बाद कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने अपनी जात के लोगों को लाभ देने का काम न किया हो, किंतु नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जाति के लोगों को न कभी एक आने का कभी लाभ दिया है और न आगे कभी देंगे। वो तो खुद अपने आप को नोटों में छपना देखना चाहते हैं, अपनी जात को कभी आगे नहीं बढ़ाना देना चाहते। क्या इसको ये नहीं माना जाए कि नरेंद्र मोदी जात प्रथा से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं? मानते हैं, हम ये मानते हैं, मगर किंतु हर व्यक्ति ये कहता है कि निज जात पे जिसको अपमान नहीं वो नर नहीं नर बेकार है। तो मैं भी ये कहता हूँ अपनी जात पर अभिमान होना चाहिए, और मेरी जात ही मेरे साथ जातिवादी है। मैं नहीं जातिवादी नहीं हूँ, जातिवादी नहीं हूँ, मगर अभिमान अपनी जात पे करना अगर ये गलत बात है तो मैं गलत हूँ। अच्छा मोहन साहू जी, आपने जैसे अभी अपने एक उत्तर में बताया कि आपने ये घोषणा की है कि मैं दोबारा कभी नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहीं से समाप्त हो रही है या आगे कुछ और सोच रखा है? इस चीज का निर्णय जनता लेगी, मैं कतई इसका अधिकार नहीं रखता अपने पास कि निर्णय मैं लूं कि मैं आगे राजनीति करने योग्य हूं या नहीं। अगर मैं काम अच्छा करूंगा, जनता मुझको चाहेगी तो देखूंगा, वरना नगर पालिका का चुनाव लड़ने का मैं आपसे स्पष्ट बोल चुका हूं कि नहीं लड़ूंगा, नगर पालिका चुनाव दोबारा नहीं लड़ूंगा, बाकी जनता के हाथ में है। बहुत अच्छी बात है, मोहन साहू जी ने हमारे सभी तीखे सवालों के जवाब दिए और अपनी प्राथमिकताएं भी बताई कि उनको करना क्या है, शहर को सुंदर और साफ स्वच्छ बनाना है, जो उन्होंने चुनाव से पूर्व वादे भी किए थे। हम देखते हैं कि इस शहर को कब तक इनके जो दावे हैं, इनके जो वादे हैं, वो कब तक साफ स्वच्छ सुंदर बना पाते हैं। हालांकि प्रयास मोहन साहू जी का जारी है, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। धन्यवाद मोहन साहू जी।